नमस्कार, फैक्ट एशिया में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में कई ऐसी अनोखी चीजें हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। प्राकृतिक इन चीजों को बनाती है और लोग इन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक भी कई सालों से इसका जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें, अनुमान के आधार पर ही इन रहस्यों को सुलझाने का दावा किया जाता है। ऐसे ही एक रहस्यमय चट्टान चीन के गिझोउ प्रांत में स्थित है। दरअसल यह चट्टान हर 30 साल में अपने अंडे देती है। गौरतलब है कि अब तक आपने मुर्गियों और बतखों के अंडे देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन चीन की यह चट्टान भी अंडे देती है, वो भी हर 30 साल में एक बार। इतना ही नहीं, अंडे को 30 साल तक अंदर रख कर इस चट्टान को उबाला जाता है, और जब यह 30 साल का हो जाता है तो अंडा अपने आप चट्टान से अलग हो जाता है। यह चट्टान लगभग 19 फीट ऊंची और 56 फीट चौड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंडे चट्टान के अंदर पैदा होते हैं और हर 30 साल बाद अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। दरअसल चीन की इस रहस्यमय चट्टान को चान तन या इस नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है अंडा देने वाला पत्थर, और यह चट्टान काली रंग की होती है। ऐसे में चट्टान जो अंडा देती है उसका रंग भी काला होता है। बाहर से चिकनी और अंदर से आकार इसका चट्टान की तरह होता है, सख्त और उबड़ने वाला। इतना ही नहीं, ये चट्टान पूरे 30 साल तक चलती है, और जब यह पता चल जाता है कि ये बाहर आने वाली है तो ये बाहर की ओर अंडे को फेंक देती है। चट्टान से निकले हुए अंडे को लोग खुशी का प्रतीक मानते हैं। इस वजह से जैसे ही अंडा जमीन पर गिरता है तो लोग उसे लेकर भाग जाते हैं। ये अंडे काले होते हैं और उनकी सतह ठंडी होती है। अंडे के इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सालों से काम कर रहे हैं। वो वैज्ञानिकों की माने तो यह चट्टान लगभग 500 मिलियन साल पुरानी है। सालों से इस चट्टान ने सभी प्रकार के तापमानों को झेला है, लेकिन इस चट्टान पर अंडे देने की प्रक्रिया आज तक नहीं बदली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।